दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल सूरजपाल सिंह एंड यासी टंक की। गाइस सूरज और यासी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं और इन दोनों के मिलियंस में इंडिया में फैंस हैं। तो उन्हीं फैंस में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि सूरज और यासी के बीच क्या रिश्ता है, इनकी रियल एज क्या है, ये सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा लेते हैं, इनकी हॉबीज़ क्या हैं और ये वायरल कैसे हुए आदि। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल हैं सूरज और यासी को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो बने रहें वीडियो में एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड साथ साथ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहली बात तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, और दूसरी बात हमारे बीच कुछ भी हो तुम पहली बात मत भूलना। दोस्तों 28 मार्च 1997 को जयपुर इंडिया में सूरजपाल सिंह का जन्म हुआ। ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र 2022 के हिसाब से 24 साल की हो चुकी है। सूरज ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जयपुर से ही कंप्लीट की थी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। वहीं यासी टंक का जन्म 4 जनवरी 1998 को जयपुर इंडिया में ही हुआ था। 2022 के हिसाब से यासी की उम्र 23 साल की हो चुकी है और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर से ही कम्प्लीट की थी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। गाइज यासी और सूरज बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और इन्होंने पढ़ाई भी एक साथ एक ही स्कूल से कंप्लीट की थी। सूरज पढ़ाई में पहले से ही काफ़ी वीक थे, बट स्कूल और कॉलेजेस में जो प्रोग्राम्स और फंक्शंस होते थे उनमें सूरज सबसे पहले हिस्सा लिया करते थे। वहीं यासी को पढ़ाई में बहुत रुचि थी लेकिन इनको फैशन डिजाइनर बनना था। वहीं सूरज ज़्यादातर टाइम अपना पहले से ही सोशल मीडिया पर बिताते थे और वीडियोज़ बनाते रहते थे। ऐसे में सूरज को टिकटॉक ऐप के बारे में पता चला और इन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया और वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने लगभग 3 महीने लगातार टिकटॉक ऐप पर वीडियोस बनाए पर कोई भी वीडियो इनका वायरल नहीं हुआ। तब सूरज ने देखा कि कपल वीडियोस टिकटॉक पर बहुत जल्दी वायरल हो रहे हैं। तब सूरज ने सोचा क्यों ना कपल वीडियोज़ बनाए जाएँ, लेकिन कपल वीडियोज़ बनाने के लिए सूरज के पास कोई भी लड़की नहीं थी। तब सूरज ने अपनी 2-4 दोस्तों को बोला अपने साथ में वीडियोस बनाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तब सूरज काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने अपनी परेशानी यासी को बताई। तब यासी ने सूरज के साथ वीडियोस बनाने के लिए हाँ कर दी और एक दो वीडियोस बना भी दिए। कभी खुद को तू मेरी जगह पे रख, कभी खुद को तू मेरी जगह पे रख, तरस ना आए तो छोड़ देना। लेकिन जब इनकी फैमिली ने ये वीडियोस देखे तो यासी की मम्मी ने यासी को खूब डांटा और सूरज के साथ वीडियोस बनाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इनकी कपल वीडियोस देखकर लोग गलत समझेंगे और सोसाइटी इनका मजाक उड़ाएगी। तब काफ़ी दिनों तक सूरज और यासी ने वीडियोस नहीं बनाए और यासी के बहुत ज़्यादा कहने पर उनकी फैमिली ने वीडियोस बनाने के लिए हाँ कर दिया और ये रेगुलर टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगे। उन्होंने टिकटॉक पर कपल वीडियोस बनाना शुरू ही किया था कि इनका एक वीडियो वायरल हो गया और इस वायरल वीडियो के बाद इनके ज़्यादातर वीडियोस वायरल ही रहे, जिन पर मिलियंस में व्यूज़ और लाइक्स आए। और जब ये काफ़ी पॉपुलर हो गए एंड इनको टिकटॉक पर स्पॉन्सरशिप मिलने लगी तब ये काफ़ी अच्छा पैसा भी टिकटॉक से कमाने लगे थे। और जब ये पैसा कमाने लगे थे तो इनकी फैमिली भी इनको सपोर्ट करने लगी। तभी कई महीनों बाद टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया, जिससे ये काफ़ी सैड हुए। वहीं बहुत से लोगों ने टिकटॉक बैन होने के बाद इनका मजाक भी बनाया कि अब ये क्या करेंगे। तभी इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया, जिससे ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगे और रील्स वीडियोस पोस्ट करने लगे। इंस्टाग्राम पर भी इनके फैंस ने इनको खूब सपोर्ट किया और आज के टाइम में सूरज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं यासी के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट होने वाले हैं। और अगर बात करें इनके यूट्यूब चैनल्स की तो सूरज और यासी दोनों के ही यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स हैं, जिसमें सुयास ब्लॉग्स जो चैनल है वो सूरज का है और इस चैनल पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। वहीं यासी के यूट्यूब चैनल का नाम सुयास फैशन है, जिस पर लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे और इश्क हो गया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। गाइस बहुत से लोग मानते हैं कि सूरजपाल सिंह और यासी टंक कपल्स हैं, बट ऐसा नहीं है। ये फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को वीडियो बनाने में मदद करते हैं। अगर बात करें कि ये सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा लेते हैं तो सूरज हर महीने सोशल मीडिया से 3 से 4 लाख रुपए बहुत आराम से कमा लेते हैं। वहीं यासी भी सोशल मीडिया से 1 लाख से ज़्यादा रुपये हर महीने कमा लेती हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। गाइस सूरज की हॉबीज़ हैं एक्टिंग, ट्रैवलिंग एंड मॉडलिंग। सूरज के फेवरेट एक्टर हैं अक्षय कुमार। सूरज की फेवरेट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण। सूरज के फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह। वहीं दूसरी तरफ यासी टंक की हॉबीज़ हैं मॉडलिंग, एक्टिंग, शॉर्ट वीडियोज़ मेकिंग एंड ट्रैवलिंग। यासी के फेवरेट एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत। यासी को सिंगर्स में पसंद हैं श्रेया घोषाल। यासी के फेवरेट कलर हैं ब्लैक एंड रेड। तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी। तो दोस्तों ये थी सूरजपाल सिंह और यासी टंक की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी वीडियो में।